आज चलते हम आलू चूड़ा बनाने। आलू चूड़ा के लिए मुझे बारीक कटे हुए आलू, अदरक मिर्चा, गरम मसाला, नींबू, तेजपत्ता, थोड़ी सी हींग और ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आइए चलते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं हो आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। आइए, मैंने घी को गरम कर दिया है, इसमें थोड़ी सी हम हींग डाल देते हैं। हींग इसलिए डालते हैं कि चूड़ा थोड़ा सा गरिष्ठ होता है, वो जो है हींग डाइजेस्ट कर देता है और उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। हींग देखिए हमारी चटक रही है, हींग थोड़ी सी लाल हो गई है और इसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा और इसमें हम तेज पत्ते को डाल देते हैं। अब इसमें हम अदरक मिर्चा का जो चॉप करके रखा है इसको डाल देते हैं। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट के लिए भूनना है। ये बारीक कटा हुआ जो है आलू मेरा, इसमें डाल देते हैं हम। आप इसको ब्रेकफास्ट के रूप में खा सकते हैं, सुबह के चाय के साथ, शाम के चाय के साथ, या मेहमान आ जाए तो आप इनको फट से बना के दे सकते। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं जिससे आलू जल्दी से हो जाए। ये देखिए हमारा आलू गुलाबी लाल हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी घी की मात्रा और बढ़ाएंगे। आप रिफाइंड खाते हो तो रिफाइंड बढ़ाइए, आप देसी घी चाहिए तो देसी घी चाहिए डाल दीजिए। मैं इसमें थोड़ी देसी घी डाल देती हूँ जिससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मैंने डाल दिया। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, जो मैंने लिया था 1 स्पून। अब इसी में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, वाइट सॉल्ट डाल देती हूँ, इसी में काला नमक जीरा भी हम डाल देंगे। काला नमक जीरा भी मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार। और ये चूड़ा मैंने भिगो के रखा था, इसी में थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल दी थी मैंने। इसे चीनी डाल देने से स्वाद अच्छा आता है। अब ये देखिए ये चूड़ा भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको अब हम 5 मिनट के लिए भून देते हैं जिससे इसे पानी जो सोखा है वो भून जाए। झटपट बनने वाला ये नाश्ता है टी टाइम का। और इसमें जो है जो मैंने मेवे फ्राई किए थे उसको डाल देते हैं। आप इसमें चाहिए तो मूंगफली का दाना भी आप डाल सकते हैं। डाल करके आप भून लीजिए 2 मिनट। एकदम हेल्दी नाश्ता हो जाता है, बच्चे बहुत प्रेम से पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत अच्छे से खाते हैं इसको। और इसमें अब लास्ट में हम नींबू गाड़ देते हैं। ये खट्टा मीठा पीता का स्वाद आता है, बहुत अच्छा होता है। ये हमारा रेडी हो गया, अभी हम इसको सर्विंग प्लेट पे निकालते हैं।